गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू. टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट अवर यूनिट नंबर 1, माय नेबरहुड. व्हिच ऑफ द प्लेसेस गिवन बिलो आर क्लोज टू योर होम? ड्रॉ लाइंस फ्रॉम दोज प्लेसेस टू द हाउस गिवन बिलो. ओके, तो ये आपका घर है, बीच में जो है माय होम, और यहाँ पे कुछ प्लेसेस है उसका नाम लिखा गया है, जैसे कि पार्क, रेलवे स्टेशन, मार्केट, फायर स्टेशन, पुलिस स्टेशन, बस स्टॉप, हॉस्पिटल एंड स्कूल. तो जो भी आपके घर से नज़दीक हो उस प्लेस पे आपको लाइन ड्रॉ करनी है. जैसे कि रेलवे स्टेशन नज़दीक हो तो आपको ऐसे लाइन ड्रॉ करनी है. ओके, बस स्टॉप नज़दीक हो तो यहाँ लाइन ड्रॉ करनी है, स्कूल नज़दीक हो तो यहाँ लाइन ड्रॉ करनी है, पार्क नज़दीक हो तो यहाँ लाइन ड्रॉ करनी है, हॉस्पिटल नज़दीक हो तो यहाँ. इस तरह से आपको लाइन ड्रॉ करनी है. जो भी प्लेस है वो आपके घर के नज़दीक है, उस प्रकार से आपको लाइन ड्रॉ करनी है. ओके, व्हाट इज़ अ नेबरहुड? नेबरहुड क्या होता है? हमारी यूनिट का नाम ही है माय नेबरहुड. तो ये नेबरहुड क्या है तो ये देखते हैं. द सराउंडिंग्स ऑफ द एरिया अराउंड आर होम इज कॉल्ड आर नेबरहुड. नेबरहुड किसे बोलते हैं? जो हमारे घर है, हमारा जो घर है उसके आसपास का जो एरिया है उसे बोलते हैं नेबरहुड. अ पर्सन हु लिव्स क्लोज टू आर होम इज कॉल्ड आई नेबर्स. नेबर्स यानी कि पड़ोसी. जो लोग हैं वो हमारे घर के पास में रहते हैं, हमारे घर से नज़दीक में रहते हैं, उन लोगों को क्या बोलते हैं? वो लोग हमारे नेबर होते हैं, पड़ोसी होते हैं. लुक एट द पिक्चर गिवन बिलो. Identify the different places in the picture. We often visit the places in our neighborhood to meet our different needs. We should keep our neighborhood clean and green. Okay, तो यहाँ पर ये picture दिया गया है. As you can see this picture. Okay, और यहाँ अलग अलग places है इस picture में जहाँ पर हम लोग जाते हैं, जो हमारा नेबरहुड है, हमारे घर के आसपास का एरिया है. हमारी डिफरेंट काइंड्स ऑफ हमारी जो नीड्स होती है, हमारी जो नीड्स होती है उन्हें पूरा करने के लिए हम वहाँ जाते हैं. और हमें हमारे नेबरहुड को कैसा रखना है? क्लीन एंड ग्रीन. ओके, साफ सुथरा और हरा भरा. तो फर्स्ट है यहाँ पे ये पिक्चर है. ओके, आप बुक में देख लेना, यहाँ पे आपको इतना प्रॉपरली नहीं दिखाई देगा. रेलवे स्टेशन. ओके, रेलवे स्टेशन जहाँ पे बहुत सारी ट्रेन्स होती है, राइट? आप गए हैं ना रेलवे स्टेशन, जहाँ पे ट्रेन्स होती है, कूलीज होते हैं, बहुत सारे जो हमारा सामान उठाते हैं, लोग ट्रैवल करते हैं जहाँ पे. ओके, तो ये है रेलवे स्टेशन. फिर नेक्स्ट है फ्यूल. फ्यूल यानी कि ये पिक्चर, यहाँ पे पेट्रोल पंप. हम जाते हैं हमारे मम्मी पापा के साथ, अंकल आंटी के साथ पेट्रोल डलवाने के लिए हमारे व्हीकल में. ओके, तो ये है पेट्रोल पंप. नेक्स्ट है ये रहा हॉस्पिटल. हॉस्पिटल हम जाते हैं जब हम बीमार होते हैं, हमें चोट लगती है, तब हम कहाँ जाते हैं? हॉस्पिटल. वहाँ पे क्या कौन कौन होता है? डॉक्टर्स होते हैं, नर्सिस होते हैं, पेशेंट्स होते हैं, कंपाउंडर्स होते हैं, स्वीपर्स होते हैं, ये सब होते हैं. ओके, तो ये हॉस्पिटल का पिक्चर है. नेक्स्ट पिक्चर है ये रहा पोस्ट ऑफिस का. ओके, पोस्ट ऑफिस में हम लेटर्स, हमारे पार्सल्स, मनी ऑर्डर्स, ये सब काम के लिए हम जाते हैं, लेटर्स पोस्ट करने, लेटर्स रिसीव करने के लिए समटाइम्स. ओके, हम स्टैम्प बाई करते हैं वहाँ से, एनवेलप्स बाई करते हैं, और हमारे लेटर्स भी वहाँ से पोस्ट कर सकते हैं. देन सुपरमार्केट ये रहा. तो सुपरमार्केट में बहुत सारे टाइप्स की ग्रोसरीज के लिए हम जाते हैं. ओके, फ्रूट की शॉपिंग के लिए, फिश, फ्लावर्स, कपड़े, सबकी शॉपिंग के लिए हम सुपरमार्केट्स में जाते हैं. नेक्स्ट है ये रहा हाई स्कूल. स्कूल, हमारा स्कूल. ओके, तो स्कूल कैसा होता है वो तो आपको पता है. स्कूल में बहुत सारे रूम्स होते हैं, क्लासरूम्स होते हैं, ऑफिस होता है, प्रिंसिपल का अलग रूम होता है, उनके लाइब्रेरी होती है, लेबोरेटरी होती है, वॉशरूम्स होते हैं. तो ये स्कूल का पिक्चर है. और ये है ABC मार्ट. तो ये डी मार्ट हमारा होता है, वैसा ही ये ABC मार्ट होता है.
नेक्स्ट पिक्चर है पुलिस स्टेशन का, ये रहा। तो पुलिस स्टेशन में पुलिस होता है। पुलिस स्टेशन क्यों होता है? हमारी सेफ्टी के लिए। चूज द करेक्ट आंसर। अ पर्सन हु लिव्स क्लोज टू आर होम इज कॉल्ड अ स्ट्रेंजर, नेबर, फ्रेंड और टीचर। तो उसे क्या बोलते हैं? जो हमारे घर के पास रहता है उसे बोलते हैं नेबर। सेकेंड, वी शुड कीप आर नेबरहुड क्लीन, डर्टी, डस्टी, अनक्लीन एंड ग्रीन। तो वी शुड कीप आर नेबरहुड क्लीन, ओके, क्लीन रखना चाहिए हमें, ओके। तो यहाँ पे एक एक्टिविटी है, क्या है ये देखते हैं। इज देयर अ पार्क और अ प्लेग्राउंड नियर योर हाउस। अगर आपके घर के पास पे पार्क या प्लेग्राउंड है, अगर है तो क्या करना है? स्टार्टिंग फ्रॉम द मेन गेट ऑफ योर होम मेक अ नोट ऑफ द नंबर ऑफ लेफ्ट एंड राइट टर्न यू हैव टू टेक टू रीच द प्लेग्राउंड और पार्क, ओके। आपको आपके घर से निकलते समय लेफ्ट या राइट आप कितने टर्न लेते हो वहाँ तक पहुँचने के लिए, तो वो आपको वो टर्न काउंट करने हैं। दिस इज इंटरेस्टिंग। कैट्स एंड डॉग्स टू लिव इन नेबरहुड वेयर फूड एंड शेल्टर आर अवेलेबल टू देम, ओके। जो कैट्स होते हैं वो और डॉग्स, वो हमारे नेबरहुड, हमारे आसपास के एरिया में रहते हैं जहाँ पे उन्हें खाना छाँव मिलता है। वी विल नाउ लर्न अबाउट द डिफरेंट प्लेसेस आर प्लेसेस इन आर नेबरहुड। अब हम सीखेंगे हमारे आसपास के नेबरहुड में जो अलग अलग प्रकार के प्लेसेस है उनके बारे में। फर्स्ट है स्कूल। अ स्कूल इज़ अ प्लेस वेयर चिल्ड्रन लर्न टू रीड एंड राइट, ओके। ये स्कूल का पिक्चर है, एज यू कैन सी, ओके, जहाँ पे बच्चे आते हैं पढ़ने के लिए, लिखने के लिए, ओके। इन अ स्कूल देर आर मैनी रूम्स सच एज क्लासरूम एंड ऑफिस, अ प्रिंसिपल्स रूम एंड एक्टिविटी रूम एंड अ लाइब्रेरी। स्कूल में बहुत सारे रूम्स होते हैं, जैसे कि क्लासरूम होता है, ऑफिस होती है, प्रिंसिपल की रूम होती है, एक्टिविटी रूम होती है, लाइब्रेरी होती है। हमारे स्कूल में भी ये सब है, ओके। हमारे स्कूल में है क्लर्क ऑफिस है, स्टाफ रूम्स है, प्रिंसिपल की अलग ऑफिस है, ओके, एक्टिविटी रूम भी है, ऑडिटोरियम है, कंप्यूटर लैब है, लेबोरेटरी, साइंस लेबोरेटरी है, लाइब्रेरी है, सब है। हमारे स्कूल में भी ये सब है, ओके। आज का जो सेशन है वो हम यहीं तक फिनिश करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है पोस्ट ऑफिस, जो मैं बाद में पढ़ाऊँगी। थैंक यू सो मच एवरीवन।